सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इस दुनिया में भाग्यशाली लोगों को ही ये तीन चीज मिलती है, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र और अच्छा मित्र। जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलें, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तब तक किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जब तक विवाद में पड़ना ही आखिरी रास्ता ना हो। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की ही है कि उसे मीठा पसंद है। आज का पंचांग 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 6:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:24 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:18 तक रहेगा। आज का जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। समूहों और क्लबों में आपका आकर्षण अभी भी चुंबकीय है। आप एक अच्छे प्रबंधक है जो हर जगह संतुलन बना रहे हैं। आज प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और एक समय में एक ही काम करना आपको मनचाहे परिणाम देगा। कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम अव्यवस्था और निष्फलता हो सकती है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपको सकारात्मक बनाएगा, साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार लाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बनेगी। स्वयं की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए उनमें बदलाव करने की कोशिश करें। चुनिंदा लोगों का प्राप्त हो रहा साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही साथ आपका हौसला बढ़ाता रहेगा। भविष्य संबंधित विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, इस कारण वर्तमान में प्रयत्न जारी रखना आपके लिए आसान होगा। करियर संबंधित प्राप्त हो रहे अवसर का ठीक से इस्तेमाल करें। अनुभवी लोगों से मदद मांगने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो रहा है उसे और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करनी होगी। सावधानियां, बिना सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयत्न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा। आपके संबंधों में भी खुशहाली आएगी। अगर अपने चाहत के प्रदर्शन की कोई प्रतियोगिता होती तो आपको प्रथम इनाम मिलता। आपका साथी सच में भाग्यशाली है क्योंकि उसे आपसे अधिक प्यार करने वाला पूरी दुनिया में नहीं है। रेड या रोग की स्थिति में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, जिसे हम दिलो जा से चाहते हैं। उसके साथ हम रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ साथ भावनात्मक रिश्ता भी शेयर करते हैं। आज के दिन उतार चढ़ाव वाला है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। प्यार में यह बात भी मायने रखती है कि आप कितनी कलात्मक हैं और अपनी चाहत का इजहार कैसे करते हैं। बात करते हैं करियर की। आज समय है अपनी दिनचर्या को पारिवारिक और नए अवसरों का सदुपयोग करने का। अपने अकेलेपन पर उदास महसूस कर सकती हैं, लेकिन जल्दी ही किसी खास से मुलाकात आपके जीवन में बाहर ले आएगी। आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर आपको भविष्य में सुधार प्राप्त हो सकता है। अपनी कंपनी के उत्पादों की बिक्री या सेवाओं के लिए बढ़ाने के लिए कई शानदार विचार आज आपके दिमाग में आ सकते हैं। मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें और एक समय में एक कार्य ही करें। आपके पास प्रबंधन का बेहतरीन कौशल है,
और अपनी पूर्णता के साथ पेशवर मांगों को पूरा करेंगी। बात करते हैं सेहत की। बदलते मौसम की वजह से थकान और सुस्ती हावी हो सकती है। उचित आराम लेना और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।